कोई इज्जत नहीं है इस घर में। मेरा तो इस घर में जीना मुश्किल हो गया है। कभी पति की सुनो, कभी बच्चों की सुनो, कभी ये पोटी कर देता है, कभी शुशो कर देता है। दिन भर काम काम काम, क्या करो कभी समझ में नहीं आता है। कभी खाना बनाओ, कभी चाय बनाओ, कभी दूध गर्म करो, कभी पानी गर्म करो, कभी झाड़ू लगाओ, कभी कभी यहाँ का सामान वहाँ रखो, कभी वहाँ का यहाँ रखो। मन करता है मायके चली जाऊँ। अब मायके जाऊंगी तो वहाँ भी कहेंगे काम कर काम कर काम कर। अब मैं जिंदगी भर काम ही करते रहूँ? दिमाग खराब हो गया है मेरा, पागल हो गई है क्या? तू क्या लेटा है? तू भी उठ, उठ। स्कूल की छुट्टी है, उठ के क्या करूँगा? स्कूल की छुट्टी है, अगर स्कूल की छुट्टी है तो दिन भर सोया रहेगा? उठ, पढ़ाई कर। मेरे बाप, मैं हाथ जोड़ता हूँ, थोड़ी देर सोने दो। नौटंकी करता है, नौटंकी करता है, बेटा ऊपर पंखे में लटका दूंगा। उठ, पढ़ाई कर। आई, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, मुझे सोने दो। क्या हुआ मेरे बेटे को? क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, क्यों रो रहा है? मम्मी, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है और पापा सोने नहीं दे रहे हैं। अरे कुछ नहीं हुआ, मैंने बोला उठ पढ़ाई कर, तो पेट दर्द का बहाना बना रहा है। उसके पेट में दर्द हो रहा है और इन महाराज को लगता है वो बहाने बना रहा है। ये नहीं कि डॉक्टर को बुला लूं। बुलाओ डॉक्टर को। हेलो, हाँ हेलो, हाँ डॉक्टर, हेलो 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 हेलो, हाँ नमस्कार डॉक्टर साहब, मेरे बेटे के पेट में दर्द हो रहा है, आप जल्दी मेरे घर आ जाओ। हाँ हाँ, बहुत तेज दर्द हो रहा है। हाँ हाँ, आ जाओ आ जाओ। हाँ हाँ, आ रहा है डॉक्टर। ये सो गया? इसके पेट में दर्द नहीं हो रहा है, ये बहाने बना रहा है। देख कैसे आराम से सोया है। लोग अपने बच्चों के लिए क्या क्या नहीं करते। मैंने इनसे बोला डॉक्टर को बुला दो, लेकिन इनको लग रहा है मेरा बेटा बहाने बना रहा है। परेशान हो गई हूँ इस घर से, मन करता है बच्चों को लेके मायके चली जाऊँ। अब मायके जाऊंगी तो वहाँ कहेंगे तेरा पति तो बड़ा सीधा है, चालू तो तू ही लगती है।